दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तेजस्वी यादव पर बोला तगड़ा हमला। बोले जो अपने पिता का नहीं हुआ वो जनता का कैसे होगा। वहीं मेवालाल के इस्तीफे के बाद अटैक मोड में आई जेडीयू। तेजस्वी यादव से मांग रही इस्तीफा, कहा छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। वहीं मेवालाल के बाद मंगल पांडे को भी तत्काल मंत्रिमंडल से बाहर करने की उठी मांग। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू में ही नहीं बल्कि बीजेपी आरजेडी और सीपीआई एमएल में भी हैं गंभीर आरोप वाले विधायक। वहीं इस्तीफे पर बोले मेवालाल चौधरी, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सच्चा सिपाही, उनकी छवि के लिए दी कुर्बानी। वहीं शिक्षा मंत्री मेवालाल के बाद अब नीतीश के स्वास्थ्य मंत्री को हटाने की उठी मांग। आरजेडी बोली जनता की आवाज सुने सरकार। वहीं अब झारखंड में भी चलेगा योगी सरकार का ठोक दो फॉर्मूला। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 45,882 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 90,04,366 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 584 लोगों की मौत हो गई। वह अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तेज रफ्तार तेजस्वी यादव पर बोला तगड़ा हमला। बोले जो अपने पिता का नहीं हुआ वो जनता का कैसे होगा। जी आपको बता दें कि विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे छठ महापर्व को लेकर बक्सर पहुंचे, जहां पर उन्होंने छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। प्रसाद वितरण के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति दिख रही थी, हालांकि बाद में स्थिति पर काबू पा लिया गया और शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम संपन्न किया गया। कार्यक्रम के बाद शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के मामले पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि नैतिकता के आधार पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे अनेक लोग हैं जो विभिन्न मामलों में चार्ज शीटेड हैं, बावजूद इसके विभिन्न पदों पर बने हुए हैं। तेजस्वी यादव को तो पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को अपनी जीत बता रहे तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो जनता का कैसे होगा। चुनाव के पहले अपने बाप का फोटो हटा दिया और चुनाव के बाद फोटो लगा दिया। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लगातार हमले पर अश्विनी चौबे ने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लोकतंत्र में जनता ने जो जनादेश दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए। चुनाव के बाद शपथ ग्रहण समारोह में आरजेडी के लोगों ने भाग नहीं लिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद अटैक मोड में आई जेडीयू। तेजस्वी यादव से मांग रही इस्तीफा, कहा छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। जी आपको बता दें कि बिहार सरकार के नए शिक्षा मंत्री और जेडीयू के नेता मेवालाल चौधरी के गुरुवार को मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी मामले पर लगातार राजनीति जारी है। विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर लगातार हमलावर है और लगातार सरकार को घेर रही है। ऐसे में अब जेडीयू भी सियासी घमासान के बीच मेवालाल चौधरी के इस्तीफे को लेकर अटैक मोड में आ गई है और तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांग रही है। पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी के होटल घोटाले में ना सिर्फ आरोपी हैं बल्कि चार्ज शीटेड भी हैं। इस मामले में वो जमानत पर हैं, ऐसे में उन्हें प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देना चाहिए। 23 नवंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में संजय सिंह ने कहा कि सदन में इस मामले को उठाया जाएगा, छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को संकेत दिए हैं कि लालू प्रसाद यादव के छोटे लाल और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाए। हालांकि पार्टी प्रवक्ता अब इस मामले में मुखर होकर मीडिया में अपनी बात रखी है। वह अगली बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में मचा तगड़ा बवाल। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के बाद अब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य मंत्री को हटाने की मांग। आरजेडी बोली जनता की आवाज सुने सरकार। जी आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर बिहार के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा है। महागठबंधन इस मुद्दे को और आगे बढ़ाना चाहता है और इसमें शामिल दलों के नेता मेवालाल के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जैसे मंत्रियों को भी तत्काल मंत्रिमंडल से बाहर करने की जरूरत बता रहे हैं। सांसद मनोज झा ने कहा कि राज्य में पूरे कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवा लचर थी, लेकिन उन्हें फिर से उसी विभाग का मंत्री बना दिया गया है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में अलग चेहरा देना चाहिए, क्योंकि वे एक कठपुतली हैं जिनकी डोर कहीं और है। इसी क्रम में भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि मेवालाल के बाद मंगल पांडे जैसे मंत्रियों को भी तत्काल मंत्रिमंडल से बाहर किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लॉकडाउन के समय में मंगल पांडे नकारा साबित हुए हैं। पूरे बिहार में लगातार उनकी बर्खास्तगी की मांग उठाती रही है, लेकिन फिर से उन्हें स्वास्थ्य
मंत्री बना दिया गया है। आपको बता दें कि कुणाल ने यह भी कहा कि उनके मंत्रित्व काल में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत चरमरा रही है, लेकिन सरकार ने उन्हें फिर से इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी है। सरकार को बिहार की जनता की आवाज सुननी चाहिए और उन्हें तुरंत पद से हटाना चाहिए। वह अगली बड़ी खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू में ही नहीं बल्कि बीजेपी, आरजेडी और सीपीआई एमएल में भी हैं गंभीर आरोप वाले विधायक। जी आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के आरोपी मंत्री मेवालाल चौधरी से इस्तीफा ले लिया है। इस्तीफा न होने तक विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर थे। वहीं इस इस्तीफे के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा है। आपको बता दें कि क्योंकि उनके ऊपर भी कई आरोप हैं, ऐसे में ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो या फिर हम वीआईपी हो या फिर आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई एमएल हो, आपको बता दें कि हर पार्टी में ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। वह अगली बड़ी खबर मेवालाल चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह के शामिल होने पर उठे तगड़े सवाल। जी आपको बता दें कि भाकपा राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान ने कहा कि मेवालाल चौधरी के भ्रष्टाचार की जानकारी पूरे देश को थी। मेवालाल के शपथ ग्रहण समारोह में सब कुछ जानते हुए भी देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में मेवालाल चौधरी ने शपथ ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में उस तथाकथित विजय और मंत्रिमंडल के गठन को अपनी सहमति दी। भाजपा जदयू गठबंधन बिहार में सबसे बड़ा गठबंधन है, उनके नेता को नैतिक जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए और बिहार और देश से माफी मांगनी चाहिए। अंजान ने आगे कहा कि बिहार के 14 शपथ लिए मंत्रियों में 8 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता राजनीतिक नैतिकता की वकालत करते हैं, उन्हें तत्काल बिहार में इन मंत्रियों को हटाने के लिए कदम उठाने चाहिए। वह अगली बड़ी खबर राहुल गांधी ने उठाया मनरेगा मजदूरों का मुद्दा, बोले मोदी सरकार कुचल रही गरीबों के अधिकार। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर तगड़ा निशाना साधा है। इस बार राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मनरेगा मजदूरों का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ बातें करती है और गरीबों के अधिकारों को कुचल रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार की ओर से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन का भी जिक्र किया और उसे तुगलकी फरमान करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण करोड़ों मजदूर सड़क पर आ गए, वहीं अब सरकार ने मनरेगा की कमाई को भी बैंक से निकालना मुश्किल कर दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले किया तुगलकी लॉकडाउन करोड़ों मजदूरों को सड़क पर ले आए, फिर उनके एकमात्र सहारे मनरेगा की कमाई को बैंक से निकालना दूभर कर दिया। सिर्फ बातों की है मोदी सरकार को चल रही गरीबों के अधिकार। आपको बता दें कि हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में एक सर्वे सामने आया है जिसमें बड़ा खुलासा किया गया है कि मनरेगा मजदूरों को अपनी ही दिहाड़ी निकालने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आपको बता दें कि इसी वजह से राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तगड़ा निशाना साधा है। वह अगली बड़ी खबर अब झारखंड में भी चलेगा योगी सरकार का ठोक दो फॉर्मूला। ये आपको बता दें कि ठोक देंगे वाला फॉर्मूला अब झारखंड में भी चलेगा। यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर को खुली छूट दे दी थी। उनके इस बयान की बड़ी चर्चा हुई थी। योगी ने कहा था कि अपराधियों की जगह या तो जेल में है या फिर ऊपर है। उन्होंने तो बदमाशों को यूपी से बाहर चले जाने की खुली चेतावनी दी थी। उसके बाद राज्य में पुलिस मुठभेड़ का सिलसिला शुरू हो गया था। कुछ मारे गए, कुछ एनकाउंटर में घायल हो गए, कई जेल चले गए, कुछ ने तो खुद ही थानों में जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। विपक्ष ने योगी के इस ठोको नीति का जमकर विरोध किया, कहा कि मुठभेड़ फर्जी है, पुलिस अपराधियों को घर से उठाकर गोली मार रही है। लेकिन अब वही लोग इसी फॉर्मूले की तारीफ करने लगे हैं, अपने अपने राज्यों में योगी नीति लागू कर रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, वहां पर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने अब ठोक दो वाली नीति पर चलने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार की ठोक दो नीति के खिलाफ कांग्रेस ने आसमान को सर पर उठा लिया था। पार्टी महासचिव और यूपी का प्रभारी बनने के बाद तो प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। कुछ जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था। योगी सरकार पर विरोधियों को ठिकाने लगाने के आरोप लगाए गए, लेकिन अब वही कांग्रेस और जेएमएम वाली सरकार इसे लागू कर रही है। वह अगली बड़ी खबर मास्क ना पहनने वालों पर दिल्ली पुलिस हुई बेहद सख्त। शुक्रवार को 2500 लोगों के कटे चलान। ये आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी बेहद सख्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने मास्क ना पहनने वालों का चालान 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है। तो वहीं दिल्ली पुलिस भी अलग अलग टीमें बनाकर मास्क ना पहनने वालों के चालान काट रही है। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने 2430 लोगों के मास्क
ना पहनने को लेकर चालान काटे। दिल्ली पुलिस ने कोरोना के नियम नहीं मानने वाले 5 लाख से ज्यादा लोगों के चालान किए हैं, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों, सड़क पर थूकने वालों का भी चालान शामिल है। इन चालानों में दिल्ली पुलिस 26 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा कर चुकी है। दिल्ली पुलिस ने पिछले 5 महीनों में अब तक 5,38,709 लोगों के चालान काटे हैं। वह अगली बड़ी खबर, बिहार में हुई गलतियों पर कांग्रेस नेता ने की खुलकर बात, बोले जल्द राहुल गांधी से मिलेंगे। जी आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस के चुनाव प्रचार प्रभारी अखिलेश प्रसाद सिंह ने पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। कांग्रेस नेता ने बिहार चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगा है ताकि आगे भविष्य को लेकर चर्चा की जा सके। अखिलेश प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने चुनाव लड़ने के लिए गलत सीटों का चुनाव। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी भी राज्य में चुनाव जीतने के लिए संगठन के स्तर पर बड़े बदलाव करने की दरकार है। ऐसे में चुनाव में खराब प्रदर्शन पर चर्चा के लिए वह जल्द ही राहुल गांधी से मिलेंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि कांग्रेस द्वारा सीटों का चुनाव गलत था, निर्णय लेने से पहले गहन विचार विमर्श किया जाना जरूरी था, लेकिन अंततः पार्टी ने जल्दबाजी में फैसला लिया। मैं बिहार चुनाव में हार की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। मैंने राहुल गांधी से मुलाकात का वक्त मांगा है। मैं उन्हें बताऊंगा कि संगठन की कमजोरियों को दूर करने की जरूरत है और इसे धारदार बनाए जाने की आवश्यकता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।